हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बोलतास किचन। आज मैं और एक नई रेसिपी के साथ बंगाल के एक फेमस डिश पोटल पोस्तो। मैंने परवल ले लिया यहाँ पर, इसी तरह से परवल को हमने पीलिंग कर लिया। इसी तरह से चार बार हम इसको पीलिंग करके इसी तरह से इसके दोनों साइड हम काट लेंगे। मेरे वीडियो को आप पूरी देखें, स्किप ना करें। ये बहुत ही टेस्टी डिश है, बंगाल की आसान रेसिपी है, बहुत ही इजीली बन जाते हैं और बहुत टेस्टी बनते हैं। एक नाइफ की मदद से आप इसी तरह से चार बार चीरा लगा दें ताकि इसके अंदर थोड़े से जो कड़ी है इसके अंदर जा सके और टेस्टी बने। इस तरह से मैंने चीरा लगा दिए। अगर आप नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। ये हमारे हो गए परवल, हमने इस तरह से अच्छी तरह से इसे चीरा लगा दिए इसी तरह से। अब इसे हम परवल को अच्छी तरह से धो लेंगे। ये बंगाल में हर घर में बनते हैं, ये डिश बहुत ही फेमस है बंगाल का पोटल पोस्तो। आप इसे पोटल परवल कड़ी भी बोल सकते हैं। परवल हमने धो के इस तरह से अच्छी तरह से धो लिए हैं परवल को। दो टमाटर भी ले लेंगे हम, टमाटर के भी अच्छी तरह से धो ले। टमाटर का हम अब स्लाइस कर लेंगे और हरी मिर्च को, दोनों हरी मिर्च का हम बीचों बीच चीरा लगा देंगे। अब परवल में हम स्वाद अनुसार नमक और थोड़ी सी हल्दी इसमें डाल के इसे मिक्स कर देंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके 10 से 15 मिनट से हम छोड़ देंगे थोड़े से टाइम के लिए। इसी तरह से ये हो गए। अब हम 30 ग्राम्स करीब खसखस, पपी सीड या पोस्तो भी बोल सकते हैं, चार हरी मिर्च के साथ हम इसे पेस्ट बना लेंगे। अच्छी तरह से पेस्ट बना ले इसका। एक पैन गरम करके उसमें हम परवल को डीप फ्राई हो इसके लिए थोड़ा ज़्यादा करके ऑयल डाल देंगे। ऑयल हमारा गरम हो गए हैं। अब इसमें एक एक करके हम परवल डाल देंगे इसी तरह से। परवल को हम एकदम अच्छी तरह से डीप फ्राई करें जब तक रेड ब्राउन जब तक ना हो जाए, तब तक पलट पलट के अच्छी तरह से हम इसे फ्राई कर लेंगे। तेल थोड़ा सा छिटकेंगे इसीलिए सावधानी बरसे। ये हो गया हमारे परवल रेडी। तेल हमने थोड़े से कम कर दिए हैं। अब इसमें हम दो तेज पत्ता डाल देंगे। अब हम ऑनियन, एक बड़ा साइज का ऑनियन डाल देंगे इसमें। ऑनियन भी हमारा फ्राई हो गए हैं। अब इसमें डालेंगे टमाटर स्लाइस, अब इसमें डालेंगे हम थोड़े से हल्दी, स्वाद अनुसार थोड़ा सा नमक। ऑलरेडी परवल पे हमने नमक डाले थे, इसके लिए थोड़े से टमक, टमाटर को मेल्ट होने के लिए हम थोड़े से ही नमक डालेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करके लीड से थोड़े टाइम तक ढक देंगे ताकि टमाटर हमारा मेल्ट हो जाए। ये हो गए हमारे टमाटर मेल्ट हो गए हैं। ये हो गए टमाटर हमारा मेल्ट हो गए। अब हम इसमें परवल डाल के अच्छी तरह से थोड़ा मिक्स करके थोड़ा सा अच्छी तरह से मिक्स कर ले। अब एक कप पानी डाल के थोड़े से मिक्स करके लीड से ढक दे थोड़े टाइम, इसे बॉईल होने दे। परवल आपको थोड़ा टाइम लगेंगे बॉईल होने में, कम से कम 5-7 मिनट अब डाल दे। पानी हमारा सूख गए हैं।
अब पानी सूख गए मतलब हमारे परवल बॉयल हो गए हैं। चलिए इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करके अब इसमें हम दो हरी मिर्च डालेंगे, जीरा जो लगाए थे हमने, दो हरी मिर्च हम डाल दिए इसमें। ये हो गए। अब खसखस में हम थोड़े से पानी मिक्स करके इसे लिक्विड बना के इसमें हम डाल देंगे। अब मिक्स कर दे अच्छी तरह से, खसखस को अच्छी तरह से मिक्स कर दे। अब हम मिर्ची पाउडर, एक चम्मच मिर्ची पाउडर इसमें डाल देंगे। आप चाहे तो डाल सकते हैं, हम कलर के लिए यूज़ कर रहे हैं, चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं आप। ये हो गए हमारे रेडी, हो गए हैं। चलिए इसी तरह से हम अब प्लेट में निकाल के इसे सर्व कर देंगे। ये हो गए हमारे रेडी पोटल पोस्तो। इसे आप चावल के साथ खा सकते हैं, बंगाल में इसे चावल के साथ ही खाते हैं, गरम गरम चावल के साथ। आप अपने मनपसंद रोटी चावल या किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। खाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे पूरे वीडियो को देखने के लिए थैंक्स।